आर सोनी न्यूज खबर आप। आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं प्रिंस बहादुर सिंह आपके साथ। आज के हमारे साप्ताहिक चर्चा के खास कार्यक्रम में हमारा विषय है कि कश्मीर से हटाई गई धारा 370 और उस पर पाकिस्तान का रुख और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के एक हफ्ते पहले कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और कश्मीर को दो राज्यों में डिवाइड किया गया जिसे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाई गई जिसकी मांग काफी ज्यादा पहले दिनों से होती आ रही थी। लद्दाख के लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जो वहां पे बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले 70% लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता के बाद से ही ये मांग थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। चूंकि कश्मीर में वैली के नाम पर जो केंद्र सरकार फंड भेजती थी वो सिर्फ और सिर्फ वैली तक सीमित रहता था। जम्मू के लोग भी कहते हैं कि हम लड़ झगड़ के भीख मांग के हम अपना फंड ले लेते थे, लेकिन लद्दाख को वो चीजें नहीं मिल पाई जो आजादी के बाद उस क्षेत्र के विकास के लिए मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, हमारा इस ब्रॉडकास्ट में आपसे संवाद करने का विषय है धारा 370, पाकिस्तान का रुख और भारत में आने वाला भारतीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। तो मित्रों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जो वहां के कुछ कार्यक्रम रहे, जो वहां के कुछ मतलब जम्मू कश्मीर का माहौल रहा, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। धारा 370 जिस दिन इसकी घोषणा हुई संसद के उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अमेंडमेंट लाया और सभी सदस्यों ने जो है समर्थन किया कि अब कुछ सदस्यों ने नहीं किया लेकिन बहुमत से उसे पास किया गया और निचले सदन लोकसभा में भी पास किया गया। उसके बाद से कश्मीर घाटी की स्थिति पर एक बार जरा हम नजर डालते हैं। कश्मीर घाटी के स्थिति पर अगर आप पहले देखेंगे कश्मीर घाटी की स्थिति धारा 370 हटाने के पहले और अभी धारा 370 हटाने के बाद, तो आपको हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद कहीं पर भी हिंसा, आगजनी, विरोध प्रदर्शन जैसी घटना नहीं हुई। और जो डाउनटाउन, जो वैली थी जहां पर हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद, या यूं कहें कि कुछ सांप्रदायिक लोग जो पाकिस्तान की तरफ से अलगाववादी का चेहरा बनकर सामने आते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, सेना के ऑपरेशंस के खिलाफ जाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं, ऐसे लोग भी सामने निकल कर नहीं आए जो अलगाववादी नारे लगाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे और कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी जो है धारा 370 का स्वागत कर रहे हैं, उनको भी आशा है कि धारा 370 से उनके प्रदेश का, उनके क्षेत्र का विकास होगा, उनके युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को काम मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वही हम रुख करते हैं इस धारा 370 के भारत के कदम के बाद पाकिस्तान के रुख का। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को सिर्फ कश्मीर के नाम पर गुमराह करके अपनी राजनीति चला रहा था। आपने पिछले 1947 के आजादी के बाद के अभी तक के कार्यक्रमों को देखा होगा, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, संघर्ष विराम रहा हो, सीज फायर रहा हो या फिर आतंकी गतिविधियां, पाकिस्तान का सिर्फ एकमात्र एजेंडा था कि पाकिस्तान की अवाम को कश्मीर के नाम पर गुमराह करके सरकार चलाना, जो कि ISI और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना हमेशा से करती आ रही है। जब भारत सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाया और उसे एक केंद्र शासित राज्य बनाया और लद्दाख को एक केंद्र शासित राज्य बनाया, आपको यह भी बताना बहुत जरूरी होता है कि लद्दाख की सीमा चीन की सीमा से मिलती है। चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस पूरे विश्व भर में जगजाहिर हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो कि POK में फल फूल रहा था, पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद काफी कमजोर हुआ। तो ये भारत का जो सबसे बड़ा कदम है, पूरे विश्व के सभी देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताते हुए इसमें दखल न देने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान अब अपने पब्लिक को, अपनी जनता को, अपनी आवाम को क्या कहकर दिलासा दिलाएगा कि हम कश्मीर को कैसे हासिल करेंगे। चूंकि आजादी के बाद से ही कश्मीर की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हावी रही है। अब पाकिस्तान को जब पता चला कि भारत जो है भैया एक तरीके से कश्मीर को अपना यूनियन टेरिटरी बना रहा है, वहां पर केंद्र सरकार की पुलिस काम करेगी, वहां पर उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप होगा, योजनाओं में देखा जाएगा,
देश को अभिभाषण करते हैं और देश को बधाई देते हैं, देश के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। और अक्सर देखा गया कि प्रधानमंत्री जो है किसी न किसी योजनाओं की किसी न किसी घोषणा, बड़ी घोषणा जो है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से करते हैं। तो इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर अभी तक तो कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से कुछ कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया जम्मू कश्मीर के मामले से पहले ही। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या क्या चीजें हैं, आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कौन सी बड़ी योजनाओं को करें या देश के लिए कुछ ऐसी बात, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जो उनको कहनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और हम आपको जो बताना चाहेंगे कि देश को चलाने के आगामी 4 साल के कार्यकलापों का एक छोटा लेखा जोखा, विस्तृत रूप से नहीं कह सकते लेकिन एक छोटा लेखा जोखा जरूर प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर से अपने अभिभाषण में बोलेंगे, कहेंगे। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री के अभिभाषण में नई घोषणाएं क्या आती हैं, बड़ी घोषणाएं क्या होती हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या पुनः वो दोबारा कुछ कहते हैं या फिर किन किन मुद्दों पर वो 15 अगस्त के दिन अपनी बात रखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक हमने भी छोड़ दिया था, आपको शायद दिमाग में आया हो, आप भी जरूर लिखिएगा अगर ये मुद्दा आपके दिमाग में आया हो कि इस मुद्दे पर कैसे क्या किया जा सकता है, अभी है जम्मू कश्मीर पर धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान का रवैया। क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन कोई संदेश देंगे? अगर हाँ, अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कोई देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देंगे या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ बात कहेंगे या कुछ घोषणा करेंगे, अगर आपको लगता है और अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ये होना चाहिए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे आर सोनी न्यूज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम पब्लिक की पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम कोई बहुत बड़े मीडिया संस्थान नहीं है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो पब्लिक है, हमारे व्यूअर्स हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आप अपना सहयोग दें। थैंक यू।